Hello guys, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Electronic Solution. तो आज की जो ये हमारी वीडियो वो G7 83D ईस्ट के बारे में है. तो ये आप एनएल भी पोजीशन देख लें. तो ये मैंने 4 फिट की डिश पर इसको सेट किया, ये देख लें एनएल भी पोजीशन देख लें. तो मैं इसे बैक साइड से आपको इसका ये देख लें, साइड व्यू देख लें इसका. तो मैं आपको बैक साइड से इसका ऑप्टिमम दिखा देता हूँ. तो ये जो मेरा निशान है वो है 76 डिग्री ईस्ट का. तो आपने इसको बिल्कुल थोड़ा सा इसको नीचे डाउन करना है और अपनी राइट साइड लेफ्ट साइड की तरफ इसको मूव करना है. तो ये मैंने डिश को सेट कर लिया, ये मेरी डिश मुकम्मल सेट है. तो मैं चलता हूँ नीचे अपनी LCD की स्क्रीन पर और आपको इसके चैनल लिस्ट चेक करवाता हूँ. तो आप दोबारा इसकी NLB पोजीशन देख लें. तो मैं नीचे आपको इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी भी बताता हूँ और इसकी चैनल लिस्ट भी चेक करवाता हूँ. हाँ जी तो हम अपनी LCD की स्क्रीन पे आ चुके हैं. तो ये इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी 3861 तो 3975 वर्टिकल. तो मैं आप सर्च लगाता हूँ और आपको इसके चैनल लिस्ट चेक करवाता हूँ. तो ये मैं सर्च लगाने लगा हूँ और फिर आपको इसके चैनल लिस्ट चेक करवाता हूँ कि मेरे पास G7 83 डिग्री ईस्ट के कितने चैनल आते हैं. तो मैं वीडियो को करता हूँ थोड़ा स्किप, कितनी देर में हमारी सर्च मुकम्मल हो जाती है तो फिर मैं आपको इसकी चैनल लिस्ट चेक करवाता हूँ. तो ये मेरी सर्च मुकम्मल हो रही है. जैसे मेरी सर्च मुकम्मल होती है तो मैं इसके आपको चैनल लिस्ट चेक करवाता हूँ. तो अगर आपके पास अगर बड़ी डिश है 4 फिट से तो आप इस पर और भी ज़्यादा चैनल चला सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये 4 फिट की डिश थी तो मैंने इस पर आज आपको सेट करके दिखा दिया. तो आप इसको बड़ी डिश पे सेट करें तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा चैनल रिसीव होंगे. तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के मज़ीद आप तक तो ऐसी वीडियो पहुंचती रहें. तो ये मेरी सर्च हो रही है, जैसे ही सर्च मुकम्मल होते फिर मैं आपको चैनल लिस्ट चेक करवाता हूँ. तो ये सी बैंड की सैटेलाइट है 83 G7 83 डिग्री ईस्ट. तो ये मैंने 4 फिट की डिश पर आपको सेट करके दिखा दिया. तो अगर आपके पास 5 या 6 फिट की डिश है तो आप उस पर सेट करें और इसके चैनल मुकम्मल चेक करें कितने आपके पास चैनल होते हैं. तो फिर मुझे नीचे कमेंट्स में आप चैनल लिस्ट चेक कर बता सकते हैं कि हमारे पास 6 फिट की डिश या 5 फिट की डिश पर कितने चैनल रिसीव होते हैं. तो ये मैंने लगा के आपको दिखा दिया. तो जब हमारी ये सर्च मुकम्मल होती है तो फिर मैं आपको इसकी चैनल लिस्ट चेक करवाता हूँ. तो वीडियो को मुकम्मल देखा था करें. फिर बाद में दोस्त कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई जान हमें यहाँ से समझ नहीं आती. तो आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें. हाँ जी तो ये मेरी सर्च मुकम्मल हो गई है. तो मुझे ये 4 फिट की डिश पर 51 चैनल रिसीव होते हुए हैं. तो मैं आप इसको यस करता हूँ, आपको इसकी चैनल लिस्ट चेक करवाता हूँ कि मेरे पास कौन से चैनल है. तो मैं अपनी सैटेलाइट कर लेता हूँ सिलेक्ट. ये तो ये मैंने अपनी सैटेलाइट को सिलेक्ट कर लिया. तो ये DDK रचना आई, ये देखने आओ. हाँ जी तो ये आप चैनल चेक कर लें. ये मेरे पास आंधी TV, ये 02 मंजारी,
ये चैनल ज़्यादा ही देख रहे हैं, कनक न्यूज़ इंडिया के चैनल हैं ये चैनल आप चेक कर लें। आप अगर किसी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मज़ीद आप तक वीडियो पहुँचती रहे। तो ये चैनल आप चेक कर लें, मैं आपको चैनल एक एक करके चेक करवाता हूँ। तो ये मेरे पास चार फिट की डिश है। अगर आपके पास ये मूवीज़ का चैनल है ये देख लें, हिंदी मूवीज़। ये तरंग टीवी, ओटीवी, कलर गुजरात, कलर सिनेप्लेक्स एक्चुअली, ये पेड चैनल है, आप चैनल चेक कर लें। तो ये एक प्रीमियर भक्ति, ये एन टी वी न्यूज एक्स वर्ल्ड, ये मेरे ख्याल में ड्रामा वाला चैनल। अगर किस पास 4 फिट से बड़ी डिश है, 5 फिट या 6 फिट, तो इस पे आपको चैनल ज़्यादा रिसीव होंगे। तो मेरे पास 4 फिट की फैब्रिक की डिश है, तो मैंने इस पे लगा के आपको चैनल जो भी थे मेरे पास चेक करवा दिए हैं। तो ये चैनल आप चेक करें, ये इंडिया का चैनल है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपनी अगली।